गाइज आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कहते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर जो 10% होता है वो होता है आपका नॉलेज, और जो 90% जो होता है वो होता है सर आपका साइकोलॉजी। अगर आपका साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इस वीडियो में हम एक एक करके वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस सबसे पहला पॉइंट है हमारा फोकस ऑन लर्निंग। जितने भी लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं उनमें से 90% लोग पहले 6 महीने के अंदर अंदर अपना सारा कैपिटल खो देते हैं, और ये बिल्कुल अटल सत्य है। और फिर यही वो लोग होते हैं जो आगे जाकर के शेयर मार्केट को सट्टा बाजार बोलते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है लर्निंग। लेकिन ये जो 90% लोग होते हैं इस लर्निंग में से इस एल को गायब कर देते हैं, और वो सिर्फ फोकस करते हैं अपनी अर्निंग पे। वो अपनी सारी कैपिटल जो है वो एक तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बार बार ट्रेड्स लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अपना सारा लॉस करा करके वो चले जाते हैं। तो गाइस हमें जो है लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि अर्निंग में। और आपकी जो लर्निंग होगी उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सबसे पहले आपका आता है पहले 6 मंथ का फेज। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है। और लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने किसी भी फेवरेट ट्रेडर का या आपके जो भी फेवरेट यूट्यूबर है, भले ही वो घनश्याम सर है, सुभाषिस पानी सर है, या फिर कोई भी हो सकता है, आप उनका कोर्स बाय कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर होगा क्या सर, आपको पूरा ट्रेडिंग का ABCD आपको पता चलेगा। क्योंकि जब तक आपको ट्रेडिंग का ABCD नहीं आएगा, लाइक आपको ये नहीं पता होगा कि ऑप्शन चेन कैसे आपको देखनी होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप सफल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो पहले 6 महीने के अंदर आप लर्निंग पे फोकस करेंगे बजाय इसके कि आप अर्निंग की तरफ ध्यान दें। पहले 6 महीने के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है। ये नहीं करना है कि आपने जीरोधा पे अकाउंट बना लिया और सीखते सीखते जो है आप यहाँ पे 10-20 हजार की ट्रेड मार रहे हो, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, देखिए लर्निंग फेज के अंदर कभी भी आप ट्रेड मत लीजिए। लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है उस चीज को सीखने के लिए। लेकिन अगर सपोज करो कि आपने मान लीजिए 40 हजार की कोई ट्रेड ले रखी है और आपको अभी सीखते हुए एक महीना हुआ, एक महीने में जो है आपको ये सिखा दिया कि कॉल को कैसे बाय करते हैं, पुट को कैसे बाय करते हैं, आपको लगा कि बस अभी मेरे को आ गया और मैं यहाँ पे लखपति बन जाऊंगा। आपने 40 हजार रुपये लगाया, किस्मत ने साथ दिया, 40 लगाया, 20-30 हजार रुपये का प्रॉफिट हो गया, आपको लग रहा है कि बहुत इजी है। आप अपनी लर्निंग पे ध्यान कम कर दोगे और आप अर्निंग पे ध्यान ज़्यादा देने लगोगे, तो ये पहले 6 महीने आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो आपने क्या करना, पहले 6 महीने पूरी ABCD सीख लेनी है, और अगले जो 6 महीने होते हैं सर ये होते हैं जो आपने यहाँ पे सीखा है उसको प्रैक्टिस करने का। यहाँ पे अब आपको मार्केट में प्रैक्टिस करनी है, और ये 6 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है सर एक लोट के साथ में। अगर आप बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर निफ्टी कहीं पे भी आप ट्रेड करते हो, मैं कहूँगा सर आप एक लोट के साथ में ट्रेड कीजिए। या फिर आप स्टॉक्स में जो है अलग अलग वहाँ पे पोजिशन साइज होती है, तो वहाँ पे कम से कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। जो भी आपने यहाँ पे सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत सुनहरा मौका होता है, जो आपने सीखा है उन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके फेवर में काम करेंगी। तो अगले 6 महीने तक आपको लगातार यहाँ पे एक लोट से जो है ट्रेडिंग करनी है। लोट जो आपके जो साइज है, आपने लोट साइज कम रखना है, ज़्यादा नहीं करना, उसको बढ़ा नहीं देना है अचानक से कि हाँ भाई मैं सीख गया हूँ। 1-2 महीने के अंदर ही आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, अगर आप पता चला 10-15 लोट लेकर के बैठ गए। तो गाइस पहले 6 महीने लर्निंग, अगले 6 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाता है कि ये 1 साल का जो है हमारा लर्निंग और प्रैक्टिस का टाइम हो चुका है, तो अगले साल अब हम क्या करें। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, अगले 1 साल को आपको 2-2 महीने के स्लॉट के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। अब जो हमारा अगला साल होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, यहीं से आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो चेंज होगा। तो सर आपने जो जनवरी और फरवरी का, आप अपने अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर जो भी आपका महीना चले, मतलब 12 महीने के बाद में, तो आपने क्या करना है उसमें शुरू के 2 महीने सिर्फ 2 लोट के साथ ट्रेड करना है, सिर्फ 2 लोट के साथ में। ऐसा क्यों करना है वो भी मैं बता देता हूँ। सर देखिए 2 लोट के अंदर आप जैसे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका कैपिटल लगेगा 15,000 अगर आप ATM पे बाय करते हो।
लेकिन अगर मान लीजिए दो लोट की बजाय आपने क्या किया, आपने ले लीजिए मान ले 10 लोट ले लिए, ज़्यादा ले लिए, तो मान लीजिए आपने क्या किया 1.5 लाख रुपए का आपने कैपिटल डाल रखा है, सीखे हुए आपको अभी 6 महीने 8-10 महीने हुए हैं और आपने क्या किया 1.5 लाख रुपए की ट्रेड ले रखी है। तो सर यहाँ पे जितना आपका प्रेशर है ना, 15,000 रुपए का प्रेशर जितना है उससे 10 गुना प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि पहले 2 महीने सिर्फ 2 लोट के साथ ट्रेड करना है, फिर अगले स्लॉट के अंदर आपको 1 लोट बढ़ा देना है और यहाँ पे आप मार्च और अप्रैल में आप 3 लोट के साथ ट्रेड करेंगे और अगले फिर 4, फिर इस हिसाब से 5 और फिर यहाँ पे 6 और ये 7। इस प्रकार से पूरे साल का आपका शेड्यूल रहेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर प्रिंट कर करके अपनी दीवार के सामने चिपका लीजिए, अपने माइंड में लिख लीजिए बात, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें वो हैं जिनके थ्रू मैं गया हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने फेस करी है। मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से मैंने अपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, वो खैर मैं किसी और वीडियो के अंदर वो सारा डिस्कस करूंगा, लेकिन सर ये जो है एक अटल सत्य जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने मैक्सिमम आपका 7 लोट तक ही जाएगा, उसके बाद में आने वाले साल के अंदर आप देखेंगे कि आप बड़ी अमाउंट को जो है मैनेज करना सीख गए, तो वहां पे आप रिस्क मैनेजमेंट धीरे धीरे आप अपना अपने अकॉर्डिंग, देखिए वो सारी चीजें जो है टाइम के साथ आएंगी, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो टाइम के साथ ठीक होता जाएगा और आप बड़ी क्वांटिटी भी मैनेज कर पाओगे। सर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोजिशन साइजिंग। पोजिशन साइजिंग से मेरा मतलब है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे आप टोटल कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं हम हमारी क्षमता से ज्यादा तो बाय नहीं कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर मान लीजिए कि मेरा कैपिटल है, मान लीजिए मेरे पास मेरा टोटल जो मेरा अकाउंट के अंदर कैपिटल पड़ा है वो पड़ा है 5 लाख रुपए का, वो मेरा 5 लाख रुपए का कैपिटल पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा नियम क्या है, मैं कभी भी अपनी टोटल कैपिटल का 10% से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। लेट्स से यू हैव 5 लाख रुपीज इन योर अकाउंट, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 10% यानी कि आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ 50K, आपने 50K के साथ में ही ट्रेड करना है। कभी भी आप गलती से भी अपना जो टोटल कैपिटल है उसको एक ही दिन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है उस दिन मार्केट जो है बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं हो सकता है 100-150-200 की रेंज में रहे और आप पूरा ओवर ट्रेड करके इसको खत्म कर दो, हो सकता है ऐसा और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता भी है। कोशिश ये कीजिए कि आप हमेशा अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 10% ही यूज करो उस दिन के लिए। और अगर मैं लॉट साइज की बात करूं तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप 7 लॉट मैक्सिमम जा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा सर आप देखोगे कि आप बेटर क्वांटिटीज को आप मतलब बड़ी क्वांटिटीज को आप बेटर तरीके से जो है मैनेज करना सीख चुके होंगे। लॉट साइज आपने ये भी देखना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर साइडवेज है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी जो साइजिंग है उसको मैनेज कर सकते हो। मैं ये कहूंगा कि सर जितना ज्यादा हो सके आप इस बात पे फोकस कीजिए कि आपकी 10% से ज्यादा कैपिटल यूज ना हो, क्योंकि सर साल में बहुत मौके मिलेंगे आपको प्रॉफिट बनाने का। ऐसा नहीं कि आपने आज ही 5 लाख आपने डाल दिया और आज ही जो है आपका 5 का 10 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप अपने लॉट साइज पे अच्छे से मेहनत करें, उस पे रिसर्च करें कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें। सर तीसरा हमारा पॉइंट है यूज ए ट्रेडिंग प्लान। अच्छा ट्रेडिंग प्लान से मेरा मतलब क्या है, देखिए हमारा 9:15 पे मार्केट खुलता है और 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है। इस दौरान आप क्या करते हो ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग प्लान पे। अच्छा ट्रेडिंग प्लान से मेरा क्या मतलब है सर, देखिए मैं अपना ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ वो देखिए। मार्केट जब 3:30 बंद हो जाता है उसके बाद के अंदर मैं अपने और वीडियोस बनाता हूँ, वो सारी चीजें करता हूँ और रात को डिनर करने के बाद में मैं क्या करता हूँ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, आपके ट्रेडिंग प्लान का एक हिस्सा है, तो सबसे पहले आपको करना है पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जहाँ पे आप कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स वगैरह ड्रॉ करोगे, वो सारी चीजें ड्रॉ करोगे। पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं तो वो मैंने इससे 1 या 2 वीडियो पहले बता रखा है कि किस प्रकार से आपको मार्केट एनालिसिस करना है, तो वहां पे आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख सकते हैं। इसके बाद में आपने क्या करना है, इसमें होता है एक दूसरा होता है आपका प्री मार्केट एनालिसिस। यहाँ पे प्री मार्केट एनालिसिस के लिए आप अभी इस ये जो 1 या 2 वीडियो बचे हैं इसके बाद में हम प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट वीडियोस डालना शुरू कर देंगे, तो वहां पे भी आप हमारे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे लेवल्स को आप फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। मार्केट बंद होने के बाद में रात को डिनर करने के बाद में तसल्ली से बैठ करके अपने लेवल्स ड्रॉ कीजिए, कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, कहाँ पे मेजर सपोर्ट है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, वो सारी चीजें वो यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। और प्री मार्केट के अंदर क्या होता है कि जैसे सुबह SGX निफ्टी ओपन हो जाता है, फिर 8:30 आप जी बिजनेस का जो यूट्यूब चैनल है वो भी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जा करके अपना व्यू बना सकते हो कि लेट से US से कोई न्यूज है जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा मार्केट भी आज अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, तो आप अपना व्यू डिसाइड कर सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान करो कि भाई मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ऊपर का है या फिर मेरा व्यू नीचे का है, कौन कौन से मेरे मेजर सपोर्ट रहने वाले हैं, कौन सा मेरा लेवल रहने वाला है, कहाँ पे मेरे को एंट्री करना, वो सारी चीजें आपके एक ट्रेडिंग प्लान का आपका हिस्सा होता है।
ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपको कुछ स्पेशल नहीं बताया जाता, यही चीजें होती हैं कि सर आप पोस्ट मार्केट कीजिए, आप प्री मार्केट कीजिए, आप कोई जो न्यूज है उसको ध्यान में रख करके वो सारी चीजें कीजिए, मार्केट का ट्रेंड क्या उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए, वो सारी चीजें आपकी प्री प्लान्ड होती हैं। और जब मार्केट ओपन होता है तो आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिए। तो सर ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले दिन मैं मार्केट में क्या करने वाला हूँ वो मुझे आज डिसाइड करना पड़ेगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब के सब आपको पहले से ड्रॉ करके रखने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो। चलिए आपने ट्रेड ले लिया, तो ट्रेड लेने से पहले आपने ये देखना है कि सर ये मेरा एंट्री लेवल होगा, ये मेरा एग्जिट लेवल होगा और ये मेरा SL रहने वाला है। तो इस हिसाब से आपका एक एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस आपका पहले से ही प्लान होगा कि सर ये मेरा SL है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। तो हमेशा ही चीज देखिए, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपना SL नहीं लगाते। सर आप SL लगाइए, SL लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पता चला कि 100-200 पॉइंट मार्केट झटके से नीचे आएगा और आपका पूरा कैपिटल उड़ गया। तो SL आपको लगा करके रखना है, SL आपका लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5 पॉइंट का SL लगा दिया और यहाँ पे आप चाहते हो कि 200-400 पॉइंट आपको मिल जाए। तो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाइए, लॉजिकल आपका टारगेट होना चाहिए। और आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो सर इस प्रकार से बिल्ड होगी कि जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आप, ये है आपका SL और ये है आपका टारगेट। तो यहाँ पे ये आपका TP हो गया, ये आपका एंट्री है और ये आपका SL है। तो ये पूरा SL वाला जोन है और ये आपका पूरा टारगेट वाला जोन है। मैं बोलता हूँ कि सर आप ये चीज ना प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस कैसे करना है कि जब तक मेरा मार्केट इस लेवल को टच नहीं करेगा तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा, और दूसरा ये है कि जब तक मेरा स्टॉप लॉस को टच नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड से बाहर नहीं जाऊंगा। स्टॉप लॉस को टच होते तो वैसे भी आप एग्जिट हो जाओगे। तो दोनों में से या तो आपको टारगेट मिलेगा या फिर आपको SL मिलेगा, यहाँ बीच में मत निकलिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ सर आपकी जो टारगेट है ना वो लॉजिकल होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए। अगर आपका SL लॉजिकल है, टारगेट लॉजिकल है तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे, और अगर आपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया है तो आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि 800 पॉइंट का बैंक निफ्टी में टारगेट मिले तो वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आपका एक लॉजिकल टारगेट होगा तो वो डेफिनेटली आपको अचीव हो गया। इस चीज को प्रैक्टिस की, देखिए इस पॉइंट में आपको सीखने वाला क्या है, या तो मैं आज टारगेट लेकर के उठूंगा या फिर मेरा SL हिट होगा। या तो SL ले लीजिए या फिर अपना टारगेट ले लीजिए, लेकिन बीच में सर बीच में एग्जिट मत कीजिए कि 100 पॉइंट मिल गए, 50 पॉइंट मिल गए, 20 पॉइंट मिल गए, यहां पे एग्जिट मार दिया। लेट से आपका टोटल जो टारगेट है वो 100 पॉइंट का है। लोग क्या करते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट आने लगता है उनको लगता है कि यार पता नहीं मार्केट कब नीचे की तरफ निकल जाएगा, उनको ये दिखने लग जाता है कि ये नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा। भाई अब यहाँ पे जो है ना सोच विचार मत कीजिए, यहाँ बीच में एनालिसिस करना बंद कर दो। ये जो करना था वो आपने एंट्री से पहले कर लिया, जैसे एंट्री ले ली अब आपके दिमाग में दो चीजें चल रही है, या तो मेरे को टारगेट मिलेगा या मेरे को SL मिलेगा। दोनों से पहले मत निकलिए। अगला हमारा पॉइंट है डू नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। देखिए मार्केट या तो क्या होता है आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा या फिर आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा या फिर आपका मार्केट इस प्रकार से साइडवेज रहेगा। तो आपने ना आपके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मेरा मार्केट आज अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब मान लीजिए जब अगर मेरा मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं क्या करूंगा, हमेशा रिटेस्ट पे जो है बाय करने का ट्राई करूंगा। अगर मेरा मार्केट डाउन ट्रेंड है तो रिटेस्ट में मैं सेल करने का ट्राई करूंगा। ये नहीं है कि सर मेरा मार्केट ट्रेंड में जा रहा है और मैं उम्मीद लगाए यहाँ से रिवर्सल होगा तो मैं ये वाला मूव कैप्चर करूंगा। कभी भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत कीजिए। ट्रेडिंग में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अपने दोस्त से दगाबाजी मत कीजिए। दोस्त अगर ऊपर जा रहा है तो आप भी जो है बाइंग की तरफ ध्यान दीजिए, और अगर आप अपने ट्रेड प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बाइंग पे ही फोकस करेंगे जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। और अगर मान लीजिए अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप सेलिंग की साइड में ध्यान देंगे, और अगर मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पे आप चुपचाप बैठे रहिए, ना आपको बाय करना है ना सेल करना है। देखिए जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको सबसे बड़ी बीमारी जो होती है ना वो होती है सर ओवर ट्रेडिंग नाम की। ये जो ओवर ट्रेडिंग नाम की जो बीमारी होती है ना ये पहले 6 महीने के अंदर इनका सारा कैपिटल खा जाती है, और फिर इसके बाद में यही लोग बोलते हैं कि सर ये तो जुआ है। देखिए आदमी ओवर ट्रेडिंग दो सिनेरियो में करता है, पहला जब उसका लॉस हो रहा होता है, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो क्या करता है ट्रेड लेता है, फिर से ट्रेड लेता है, फिर से ट्रेड लेता है, इस उम्मीद में कि मार्केट अब रिकवरी करेगा, अब रिकवरी करेगा, अब रिकवरी करेगा, मार्केट जो है अब उसके फेवर में 100-200-400 पॉइंट का मूव देगा और उसका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। दूसरा जो सिनेरियो है वो देखिए, जब मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट मिल चुका होता है तब भी लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा, सर 15,000 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका था
लास्ट में मैंने 22,000 रुपए जेब से दे दिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें लालच आ जाता है कि सर 15,000 मिल गए, आज पूरा 20 करूंगा। जब 20 हो जाता तो लोग सोचते हैं नहीं यार आज मैं 25 करूं, 25 हो जाता लोग सोचते यार इसको क्यों ना मैं करके ना 30 कर देता हूं। जब 30 होता है यार 30 अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको 50 कर देता हूं। अब ये 50 के चक्कर में जब नीचे गिरने लगता है तो ये आएगा 27 पे, फिर आएगा 13 पे, फिर आप सोचोगे अरे यार वापस 20 पे चला जाए 25 पे चला जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ऐसे करते करते आप लास्ट में जेब से माइनस 22,000 रुपए दे करके उठते हो। तो कभी भी आप जब प्रॉफिट के अंदर आ रहे हो और आपकी जो है ट्रेडिंग हो चुकी है कि चलो ठीक है भाई आपने लिमिट सेट कर रखी है कि मैं दिन की सिर्फ 3 ही ट्रेड लूंगा। देखिए मैं भी मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ए डे ही लेता हूं, इससे ज्यादा मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं। 3 ट्रेड हो गया मेरा बहुत है। पहली ट्रेड के अंदर प्रॉफिट मिल गया, मैं अगला सेटअप फाइंड करने का ट्राई करता हूं। अगला सेटअप के अंदर भी अगर मेरा प्रॉफिट हो गया मैं तीसरा ट्रेड लेने का ट्राई करता हूं। मेरा तीसरा ट्रेड में भी अगर मेरे को प्रॉफिट हो गया सर मैं चौथा ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है अब मैं ओवर ट्रेडिंग कर सकता हूं। हो सकता है चौथे ट्रेड के अंदर मेरा ज्यादा लॉस भी हो जाए, हो सकता है तीसरे ट्रेड का पूरा ही लॉस चला जाए और फिर यहां से जो मिला वो तो जीरो हो गया, प्लस मेरे को ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, तो वो इन दोनों ट्रेड से देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकते हो। मैक्सिमम 3 ट्रेड लेनी है, पहले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो रहा है नेक्स्ट ट्रेड ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, तीसरे ट्रेड के अंदर लॉस हो गया उठ जाओ, पहली ट्रेड लिए प्रॉफिट हो गया दूसरे ट्रेड के अंदर लॉस हो गया उठ जाओ। अब ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है। पहली ट्रेड के अंदर अगर आपका लॉस हो गया दूसरी ट्रेड लीजिए, हो सकता नहीं अगर आप सेटअप पे ट्रेड लेंगे वो लॉस रिकवर होगा आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर इसमें भी लॉस हो गया तो सर वो दिन आपके लिए नहीं है। इन दोनों ट्रेड के अंदर आप छोड़ दीजिए, अब जितना मिलना था मिल गया, जितना लॉस होना था हो गया, अब आप ट्रेड मत लीजिए। तो सर सिंपल सा फंडा है, ओवर ट्रेडिंग को आप अवॉइड कीजिए। आप नियम बना लीजिए कि मैं 3 ट्रेड लूंगा और 3 ट्रेड किस हिसाब से लेनी है वो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। लॉस होता है तो भी लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट होता है तो भी लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो इस ओवर ट्रेडिंग की बीमारी से सर आपको बचना है, अगर इससे बच गए तो आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। अगला हमारा पॉइंट है अवॉइड द बैड ट्रेड्स। अच्छा ये बैड ट्रेड का मतलब क्या होता है? देखिए सर मार्केट क्या करता है, अप ट्रेंड में जाता है या फिर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, लेकिन कई बार आप देखोगे एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा रह जाता है, पूरे दिन उसी रेंज के अंदर घूमता रहता है। तो बैड ट्रेड्स के अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट किया ऊपर गया, पता चला वो नीचे आ गया दोबारा से, यहाँ थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया वापस ऊपर आ गया, तो ऐसे में क्या होता है मार्केट ना एक रेंज के अंदर घूमता रहता है और आपने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। देखिए अगर आप एक प्लानिंग के तहत ट्रेड करोगे, अगर आप पूरा होमवर्क करके आओगे तो आप इन बैड ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आपको काम नहीं करना, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई। भाई बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर पूरे दिन मार्केट मान लीजिए साइडवेज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे आज जो ट्रेड है वो जीरो है, आज मेरे को एक भी ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं है। अगर मैं जेब से पैसा दे देता तो मुझे नींद नहीं आएगी रात को, एक भी ट्रेड नहीं मिला आज, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन आज ऐसा दिन था यार मेरे को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था, मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसे मार्केट के अंदर ट्रेड ली। और ऐसे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोग ओवर ट्रेडिंग करते, ऐसे में क्या होगा मार्केट थोड़ा सा आपके फेवर में गया नीचे आ गया लॉस हो गया, थीटा डीके की वजह से पैसा चला गया। अगर आप ऑप्शन बायर हो फिर आप सोचोगे यार यहां आ गया नीचे निकलेगा थोड़ा सा, यहां पे आप पुट बाय करोगे वो ऊपर चला जाएगा, आपको लगेगा यार इस बार तो ये ऊपर निकल जाएगा, यहां पे जाएगा कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाएगा, आप सोचोगे यहां ठीक अब मैं ले लेता हूं कॉल बाय करता हूं, वो थोड़ा सा ऊपर जाकर दोबारा नीचे आ जाएगा, यहां पे इसने एम पैटर्न बना करके नीचे आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, दो चार ट्रेड लॉस में गया फिर उसके बाद में क्या करोगे रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे। ट्रेडिंग के अंदर सर एक वर्ड होता है रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज का मतलब क्या होता है बदला लेना। मार्केट से बदले की भावना अगर आप रखोगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। ये मार्केट जो है सर भगवान है, आप इसको सिर्फ एक मार्केट मत समझिए, एक देवता समान है, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए जितना। अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो बेटर है आप जीरो ट्रेड के अंदर ही रहो, एक भी ट्रेड मत लो कोई बात नहीं है, सीखने को मिलेगा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विथड्रॉ पोर्शंस ऑफ प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं बताता है लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो टोटल कैपिटल है वो है 5,00,000 रुपए, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 5,00,000 रुपए है लेट्स से, और मैंने ट्रेड लिया है आज 50,000 रुपए से, ठीक है मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ और इस पे मेरा जो प्रॉफिट है मान लीजिए आज मेरे को 15K का प्रॉफिट हो गया, लेट से आपको 15K का प्रॉफिट हो गया। मैं आपको ये बोलता हूँ कि सर ये जो आपका प्रॉफिट है ना इसमें से आप 11 से लेकर के 12,000 विड्रॉ कर लीजिए, आप अपने बैंक अकाउंट में इसको डाल लीजिए। क्योंकि सर क्या होगा मान लीजिए 50,000 रुपये मान लीजिए यूजुअली 15,000 इतनी जल्दी बनते नहीं है, आपने बना लिए या हो सकता है आपको मान लीजिए उस दिन 25,000 बन गए, तो इसमें से जो है ना इसका 70-80% जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका 70-80% आप क्या करो विड्रॉ कर लो। अदरवाइज सर क्या होगा आपको ये लगेगा कि मार्केट ने मेरे को कल 25 दिया था आज मैं निकालूंगा 40,000,
मैं फिर परसों 50 निकालूं। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके आप एक महीने में करोड़पति बन जाते हो। यहाँ पे ये जो खुमारी है, ये जो ओवर स्मार्टनेस है, यही चीज़ हमको मारती है। तो सर जितना हो सके ना इस चीज़ को ना आप मैनेज कीजिए। आप अपने जितने भी आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनका 70-80% विड्रॉ कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि ये 5 लाख रुपए जो है इसको ना मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं वो अपने हिसाब से इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप अपने प्रॉफिट का 70-80% आप निकालते रहिए। और ये जो प्रॉफिट आप विड्रॉ करते हैं जब आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है अगले दिन, तो सर इसकी इस चीज़ से ना आप अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर अपने फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनको आप कुछ अच्छा गिफ्ट कर सकते हैं। अपने लिए कुछ अच्छा, मान लीजिए जैसे मैंने लैपटॉप लिया है, मान लीजिए ये मेरी टेबल ली है, या मान लीजिए मैंने आईपैड लिया है, या जो भी लिया है, जो भी सामान मैं बाय कर रहा हूँ, जो भी परचेज कर रहा हूँ, वो चीज़ें जब मेरी आंखों के सामने रहेंगे ना वो मेरे को कॉन्फिडेंस देंगी। भाई जो आज मैं जूते पहन करके बैठा हूँ, लेट से आज मैंने 20,000 रुपये के जूते पहन रखे, वो मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। ये जो मेरा लैपटॉप पड़ा है 2 लाख रुपये का, ये मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहा है। जो शर्ट मैं पहन रहा हूँ ये मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है। जो मेरा ये सेटअप है ये मेरे को कॉन्फिडेंस देता है। ये कहाँ से आया पैसा? ये यहीं से ही आया है। और आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट ले रहे हो, लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस। जो मार्केट से प्रॉफिट आ रहा है ना, जो ग्रीन, उसको आप अगले दिन रेड कर रहे हो। खुद को रिवॉर्ड देना शुरू कीजिए। सर लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हो। आप रात के 2 बजे तक अगर आप यहाँ पे चार्ट पढ़ रहे हो, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बार-बार मैं बोलता हूँ कि डेली के 100-150 चार्ट पढ़ो, नींद आएगी, डार्क सर्कल्स होंगे, होने दीजिए, कोई बात नहीं है। आने वाले 2 साल के बाद में आप देखिए आपके जो चेहरे पे जो है ना एक अलग ही ग्लो दिखेगा। बार-बार बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे जो बैचेस हैं उनके अंदर बोलता हूँ कि भैया आपका जो प्रॉफिट होता है 70-80% विड्रॉ करो, उससे कुछ अच्छा जाकर के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खुद को ट्रीट दो, या फिर अच्छे लिए सूज ले लो, कुछ और ले लो, जो भी आप लेना है कुछ ऐसी चीज लो जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। और यही चीज जो है ना आपको बहुत हेल्प करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बहुत हद तक आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी ठीक रहेगी। और सर हमारा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल के बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार से ट्रेडिंग जर्नल आपका मेंटेन करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर कुछ इस प्रकार से एक पेज होता है जहां पे आप अपनी डेट नोट करते हो, आप ये नोट करते हो कि आपने कहां पे ट्रेड लिया। लेट से आपने TCS में ट्रेड लिया है, रिलायंस में लिया, बैंक निफ्टी लिया, निफ्टी में लिया है। यहां पे आप लिखेंगे डेट, लिखेंगे आप अपनी पोजिशन साइजिंग, लिखेंगे और आप लिखेंगे कि भाई मैंने फर्स्ट हाफ में लिया था, सेकंड हाफ में लिया था, क्वांटिटी सारी लिखी, कितनी क्वांटिटी ली, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल में बताता हूँ, खैर वो सारी चीजें मैं वीडियो में बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या मैं आज की ट्रेडिंग की जो मेरा आज का पूरा दिन है मैं उससे संतुष्ट हूँ, यस और नो। अगर यस तो आप डिफाइन कीजिए कि क्यों खुश हो, अगर आप खुश नहीं हो तो बताइए कि क्यों। फिर अगर मान लीजिए कि हाँ मैं आज संतुष्ट नहीं हूँ, क्यों संतुष्ट नहीं हो भैया लिखो। जब आप यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे ना कि भाई मैं इस वजह से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि आज मैंने क्या किया, मार्केट मेरा साइडवेज था और इसी के अंदर मैं बार बार सेलिंग कर रहा था, बार बार बाइंग कर रहा था और यहाँ पे मैंने पूरा पैसा खो दिया। ये चीज़ यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे इस चीज़ यहाँ पे कसम खा लो, लिख दो नीचे कि भैया मैं कसम खाता हूँ आज के बाद में ये गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं अगर आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, जैसे महीने की बात करूं सर मैं 20-22 ट्रेड करता हूं, जिनके अंदर मैं बताऊं मेरी 15 से 17 जो ट्रेड्स होती हैं वो प्रॉफिटेबल होती हैं। महीने में मेरे 4 से 5 लॉस होते हैं। देखिए सर मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, इतना बड़ा ट्रेडर, देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है कि वो पूरे महीने प्रॉफिटेबल रहे, 1-2-3 तो उसकी भी ट्रेड, मेरा 4 से 5 ट्रेडिंग जो है वो डेज ऐसे जाते हैं जहाँ पे लॉसेज हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ इनको जितना छोटा हो सके उतने में काट दूँ। 5-10-15 हज़ार रुपये में मेरा बन रहा है तो ठीक है। मेरा जो बिगेस्ट लॉस हुआ था वो हुआ था 1.5 लाख रुपये का, वो पिछले साल अप्रैल के अंदर हुआ था। और सर इसके अंदर रीज़न क्या था, मेरी थोड़ी सी लापरवाही थी, स्टॉप लॉस लगा करके बैठा था और समथिंग मेरी 2.5 लाख रुपए की समथिंग की मेरी ट्रेड थी वो, जिसके अंदर मेरा 1.5 लाख रुपए का समथिंग लॉस हुआ था। और वो लॉस इसलिए था, और वहाँ पे सर हुआ क्या था कि लापरवाही की थी मैंने, बाहर था एक्चुअली उस टाइम पे, मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है यार मेरा 20,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, ज़्यादा ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस फेल हुआ, मार्केट में एक सडन डाउनफॉल वो था किसी न्यूज़ की वजह से, और न्यूज़ की वजह से वो 400-500 पॉइंट जो है मार्केट 10-15 मिनट के अंदर देखने को मिला था। और वहाँ पे मेरा जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था वो यही था अब तक का, एक दिन के अंदर अगर मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ है तो
तो वो था 1.5 लाख रुपए का। वो जो गलती है वो मैं कभी नहीं करता कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं ट्रेड लेकर के पॉकेट में रख करके बैठ गया कि भैया स्टॉप लॉस लगा हुआ है। स्टॉप लॉस फेल भी होते हैं सर, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप लिख करके ले लीजिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये चीजें थोड़े दिन में अंदर दिखने लग जाएंगी। आप स्टॉप लॉस लगा करके आप सोच रहे हो कि मैं कुछ और कर लेता हूँ, नहीं कर पाओगे। जितना हो सके आपने जो ट्रेड लिया है उसको अपनी स्क्रीन के सामने रखिए कि हाँ भाई उस ट्रेड को जो है खुद से मॉनिटर कीजिए। आप अपने जीरोधा अपस्टॉक्स के सहारे मत बैठिए। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है। अपस्टॉक्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है इंडिया का, तो और ज्यादातर मैं भी देखते हैं आप अपस्टॉक्स के अंदर ही ट्रेड करता हूँ, जीरोधा में भी करता हूँ, मेरे ऑलमोस्ट सभी के अंदर फायर्स में, एंजल वन के अंदर सभी में अकाउंट है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ पहले नंबर पे अपस्टॉक्स, सेकंड पे जीरोधा। तो अपस्टॉक्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप जाकर के अकाउंट खुलवाइए। अकाउंट ओपनिंग के बाद में उसका जो स्क्रीनशॉट है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आप हम जो है आपको हमारे जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है लर्निंग ग्रुप वहां पे ऐड कर देंगे। वहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट स्टॉप लॉस सब वहां पे डिस्कस करते हैं। इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होते हैं, वो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।